बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग जी। मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक आप सबके दस्तरखान भरे रखे, सबके घरों में खुशियाँ लेकर आए, सबके मसले मसाइल हल हों और हर बीमार को शफा मिले। अल्लाह ताला से हमेशा ही दुआ किया करें, इसी तरह आप लोग भी। अच्छा जी, आज के व्लॉग में आपको मैं नज़र ही आ रहा होगा, मैं बहुत खुश नज़र आ रही हूँ ना। हाँ जी, पूछिए क्यों नज़र आ रही हूँ। तो जी माशाल्लाह से मैं आज वाकई बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ कि माशाल्लाह से आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और इसको भी तकरीबन 4-5 दिन हुआ, मतलब मेरी वीडियो डाल चुकी है अभी आपके पास 6-7, तो मैंने सोचा कि आज भी वो शेयर भी करना चाहिए आपके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह चैनल मोनेटाइज हुआ है, बहुत खुशी हुई है मुझे इस चीज़ की। और ये सब कुछ किस तरह से हुआ है, ये सब कुछ आप लोगों की सपोर्ट से हुआ है, आप लोगों के हक से हुआ है। अगर आप लोग मेरा साथ ना देते तो फिर मैं यहाँ तक ना पहुँचती। तो थैंक्स फॉर ऑल, जो जिस जिसने मुझे सपोर्ट किया उस सब का बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए जी उर्दू का फिर मैं मुश्किल जुमले बोलने लगती हूँ ना, कभी बोला इंग्लिश आ रही थी तो उर्दू के मुश्किल निकल जाते हैं, कभी उर्दू के ऐसे तो फिर कभी इंग्लिश, आपको पता हमारी जुबान ऐसी हैं। तो जी बहुत ही आप सब के सपोर्ट से ये मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो सबका बहुत शुक्रिया जी। और आप लोग मुझे वो सब लोग जो है मुझे राय भी देते रहा करें, अपने कमेंट में बताया करें मुझे कि किस टाइप की वीडियोज़ आप लोग चाहते हैं, तो फिर मैं उसी टाइप की वीडियोस ही बनाया करूँ। या कोई डिश आप लोगों को स्पेशल है, कोई खास है, या कुछ आप थोड़ा सेंड दिया करें, मैं वो भी बना दिया करूँ। उनको भी मुझे आप अगर सेंड करेंगे मैं वो भी आपको वो डिश भी बना दिया करूँगी ना, क्योंकि मैं अपने फैमिली में भी ऐसी कहती हूँ, अपनी कज़न वगैरह सिस्टर सबको ये कहती हूँ। तो ये जो मेरी मेरा चैनल ये जो मोनेटाइज हुआ है, मैं कहती हूँ मेरी माँ की दुआओं से हुआ है, बहन भाई की सपोर्ट से हुआ है, आप सब लोगों की सपोर्ट से हुआ है। तो पहले तो मैंने यही सोचा था कि ये चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आज अब मैं आपको बड़ी डिटेल में तुझे ये बात बताऊंगी कि जब चैनल मैंने स्टार्ट किया था मुझे बिल्कुल नो हाउ नहीं थी, मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना मेहनत तलब काम है, काम बड़ा भारत मेहनत तलब भी है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, चीज़ पॉसिबल है, आप कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। हम खासकर जो एजेड खवातीन होती हैं, यानी कि जो यानी कि वर्दी के बच्चे बड़े हो चुके हैं, ये समझ लें आप लोग, तो थोड़ा सारा टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है, तो फिर बजाय इसके कि टाइम अपना हम वेस्ट करें इधर उधर वो करने से, तो बेहतर ये कि हम कोई अच्छा सा काम करें। तो मैंने यही समझा कि जब मैं काम करने फारिग हो जाती थी, बच्चे मेरे पढ़ रहे होते थे, तो वो मेरी बेटी अक्सर आके मुझे कहती थी कि आप अकेली बैठी हैं। सही बात है, हमको ये नहीं है कि हम सारा दिन ये वीडियोज ही बनाते थे, कुरान पाक भी अपने टाइम पढ़ते सब कुछ करके, फिर भी टाइम हमारा बच जाता था। तो वो मुझे कहती है अकेली बैठी है ना, तो चले मैं आपको वैसे ही आके मेरी बेटी ने चैनल कहा, तो उन्होंने कहा तो मुझे चैनल स्टार्ट करें, फिर मैंने इसका कर दिया। ये मेरे हस्बैंड की सपोर्ट भी थी, उन्होंने मुझे बना कर दिया, तो मैंने ये चैनल स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब स्टार्ट किया था तो मुझे मेरे पास इससे पहले आप यकीन कीजिए ये सेलफोन भी नहीं था मेरे पास, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था। मेरे सिर्फ इतना होता था छोटा सा फ़ोन, मैंने सिर्फ कॉल सुनी और कॉल बंद, बस इस तरह मुझे बस ऑन ऑफ करना आता था, सिर्फ कॉल सुनना आता था, ये मैं बताना चाह रही हूँ। इंटरेस्ट भी नहीं था मुझे ना, तो बच्चे मेरे पास हंसते थे, मैं कहती थी मुझे इंटरव्यू कहते क्यों नहीं लेती आप सेलफोन, मैं नहीं लेती थी। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम जब लिया और पहले दिन ही आप यकीन कीजिए मेरी बेटी ने ऐसे, मैं आई हूँ आकर बैठी हूँ, तो बल्कि आपने देखा होगा इधर इसी ड्राइंग रूम में बैठी थी सोफे, तो ऐसी मेरी बेटी ने वीडियो बनाई। मुझे नहीं मालूम था, मैंने उससे पहले किसी का व्लॉग नहीं देखा था, आप यकीन कीजिए मुझे नहीं मालूम था कि किस तरह से बात करनी है या क्या कहना है, पता नहीं मैं किस तरह से बोल रही हूँ कि मैं हूँ ये हूँ मैं हूँ ये सिखाऊंगी आपको वो करूँगी। तो मेरी बेटी ने फॉलो बना के वीडियो अपलोड कर दी, तो हमें तो नहीं मालूम था, लेकिन उसके भी माशाल्लाह 1000 उसके वो मतलब व्यूज़ हो गए ना। तो मैंने सोचा कि ये तो काम ठीक है चल रहा है, मैंने आगे भी चलाया। फिर इसका जब फर्स्ट टाइम मैंने ये सेलफोन लेकर और उसमें थोड़ी सी मैं शॉपिंग करके माए, अभी मैंने वो शॉपिंग चीज़ें निकाली नहीं थी, मैं ऐसे दिखा रही थी घर में किसी को, तो वो भी मेरी बेटी ने उसी तरह वीडियो देखी बैठे बैठे अभी जाना आप बताएं, और मैं अभी जानी मुझे कहते हैं बच्चे मेरे, अभी जान का मतलब माँ होता है, मैं आज अक्सर आपको बता रही हूँ, वो मुझे बीजान कहते हैं। तो मैंने बीजान के बीजान ब्लॉग के नाम से ही चैनल बनाया, मेरा नाम बीजान नहीं है। तो फिर ये हुआ कि मेरी बेटी ने उसी तरह मैं शॉपिंग दिखा रही हूँ और मेरी बेटी ने मेरा वीडियो बना के अपलोड कर दी, उस पर भी बहुत अच्छे कॉमेंट्स आए। तो फिर मैंने सोचा कि वाकई ये काम तो मेरा देखे चलने वाला है, तो लेकिन ये कि इसके लिए बड़ा मेहनत तलब है इनके। देखिए मैं बार बार अपनी आईज़ के देखी कि मेरी आईज़ के इतने ना थोड़े थोड़े से वो हल्के नहीं थे पहले मेरे, तो मेरी आईज़ ना ब्लैक ब्लैक होगी, क्योंकि इसके लिए रातों को काम करना पड़ता है, करना कैसे पड़ता है, सारी बात है एडिटिंग मुश्किल है, मुझे तो यही नहीं पता था एडिटिंग कैसे करनी है। बहुत से लोगों को तंग भी किया, कुछ लोगों का कॉपरेट भी है, कुछ चैनल्स वाले हैं भी बड़ा कॉपरेट है, जो सुनने होंगे तो उन्हें पता चल गया होगा किस किस को मैंने तंग किया। तो मुझे एडिट नहीं पता था, मुझे थंबनेल वगैरह ये नहीं पता, टैग लगाना नहीं, तो वो कई रातें में जाती थी ढूंढती रहती थी क्या है कैसा है, मतलब बिल्कुल नहीं समझ आती थी, उसकी वजह से मेरी आईज़ भी हो गई थी ना। तो मैंने देखा इन्हीं दिनों में ना मेरी आईज़ सारी से फ्रैकल्स से क्या कहते हैं से हल्के फ्रैकल्स कहेंगे इस टाइप की हो गई थी ना, ये ब्लैक से देखें आप आईज़ सारी। तो फिर मैंने ये किया, अब ये कि मैं इसको बिल्कुल आँखों से दूर रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती, थोड़ा सा ये चीज़ें जो है नुकसानदेह भी है ना आईज़ के लिए, तो थोड़ा कम ही यूज़ करें, बट ये इनके फ़ायदे भी बहुत है। हम देखें घर बैठ के, हम लोगों ने ये सोशल मीडिया का दौर है, घर बैठ के हर बंदा अर्निंग कर सकता है, किसको नहीं दिल चाहता अर्निंग करने का। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने बच्चों को, मतलब जाहिर बात है आगे हर बंदे का दिल चाहता है,
तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे और आप लोग ताउन अभी आगे भी करना है आपने मेरे चैनल को देखना है ताकि मेरे व्यूज़ अच्छे से आए, ठीक है ना। ऐड मिलने लगे तो ऐड पे जारी पाते अर्निंग होती है तो बड़ी खुशी हुई, बच्चे भी खुश हुए, चले जी भैया जी आपके बड़े ऐड आ रही है वो क्या, चले जी ठीक है ये काम। तो इस तरह से मैंने ये काम स्टार्ट किया, मज़ा भी आता है ये काम करने का, क्योंकि ये होता है कि हमें मतलब बोरियत नहीं होती। जब हम बोर होते हैं कुछ होते हैं तो मैं कोई वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन टफ ये है कि घर का काम भी, सम टाइम ऐसा भी होता है कि मैंने कुछ कुक किया या कि मैं करके ला रही हूँ, रख रही हूँ, मैंने डिश आउट नहीं किया कुछ नहीं, बच्चे अपना खड़े हो जाते हैं सब पे, जल्दी खाना दे आपको वीडियो की पड़ी छोटे छोटे तो मैं उसको मतलब गार्निश करना भूल जाती हूँ, गार्निश की चीज़ें रखी तो वो भूल जाते हैं, पहले उन्हें खाना दे देती हूँ। या कोई भी डिश तैयार की मैं, कोई भी घर में आ गए गेस्ट आ गए कुछ आ गए तो वो मुझे याद दिया था, मैं सबसे पहले देती हूँ, फिर मैं कभी कभी उसी पतीले में कैमरा मार दिया, देखिए जी हमने ये चीज़ बनाई है क्या करूँ, जाहिर बात है वो मैं डिश आउट कर चुकी होती हूँ। तो ऐसे भी होता है, बड़े मज़े का, मतलब इसमें कोई वो नहीं है आपको कि बहुत तकल्लुफ़ में रहना, आपने बड़े अच्छे तरीके से आप ये वीडियो बना सकते हैं, जैसे आप घर में उसी तरीके से, कोई आपको बहुत ड्रेसअप नहीं होना पड़ता, बहुत मेकअप ये वो चीज़ें लग्जरीज मतलब नहीं चाहिए आपको कि ये चीज़ हो वो चीज़ हो, जैसा मेरा घर है सिंपल सा घर है जैसा भी है। अभी मैंने कुछ भी नहीं परचेज किया, यानी कि जब से मैंने वीडियो शुरू किया, आस्ते आस्ते दिल चाहता है बंदे का, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे अर्निंग हुई और भी कर लूँगी, और वैसे भी गर्मी है, गर्मी में ज़रा बाजार नहीं निकला जाता है, पंजाब में गर्मी शुरू हो चुकी है, तो इंशाल्लाह ताला करूँगी। कभी कभी मेरी आवाज़ का सुना है कि थोड़ा सा वो नहीं पहुँचती, उसके लिए इंशाल्लाह ताला माइक ले लूँगी, बाकी रिंग लाइट और ये वो चीज़ें ले ली इस टाइप की भी। तो आप लोगों की सपोर्ट का वंस अगेन शुक्रिया जी, आप लोग मेरे चैनल को जरूर देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और सब्सक्राइब करते जाइए आप तो फिर मैं आगे तक पहुँचूंगी ना, ठीक है जी। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक फॉलो पहुँच जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।